सिस्टम ऑफ यूनिट्स चैप्टर नंबर टू मेजरमेंट, ये फिजिक्स क्लास नाइन में भी है तो मैट्रिक की फिजिक्स, लेकिन यही सारे टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी हैं और नाइन में भी आपको पता है कि अब फिजिक्स पढ़ाई जा रही है शुरू के 11 चैप्टर। तो अब अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ यूनिट। ये आपने लफ्ज़ सुना होगा यूनिट का, व्हाट इज़ यूनिट, आप बताइए जवेरिया यूनिट की डेफिनेशन क्या है। मैम आप बताइए, कोई बता सकता है यूनिट की डेफिनेशन क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए जो सिंपलेस्ट मेजरर फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं सादा तरीन पैमाने, उनको यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूनिट। मसलन लेंथ को, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, याद करें किस में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइल्स में, यार्ड्स में, तो सारे यूनिट्स हैं किसके, लेंथ के। मास को, मास को नापने के लिए कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, टन है, मन है, ये सारे मास के यूनिट कहलाते हैं। फिर टाइम के यूनिट, सेकेंड है, मिनट है, आवर है, डेज है, वीक है, मंथ है, ईयर्स है, सेंचुरी है, मिलेनियम है, तो सब टाइम के यूनिट्स हैं। इज दैट क्लियर। तो याद है कि ये एक मामला रहा शुरू से इंसान के साथ कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हर जगह एक जैसी हैं। जिस तरह लेंथ यहाँ पर भी है, अमेरिका में भी लेंथ का तसव्वुर है, जापान में भी लेंथ का तसव्वुर है, इस तरह मास यहाँ पर है, हर जगह मास का कॉन्सेप्ट है, टाइम सब के लिए है। इज़ दैट क्लियर। सूरज पूरी दुनिया के लिए निकलता है, ना कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए निकलता है बल्कि नॉन मुस्लिम्स के लिए भी निकलता है। तो याद रखिएगा पूरा एक सिस्टम है। तो हम मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी पाकिस्तान में लेंथ को ख़वातीन बालिशों में नापती हैं। बच्चे का कपड़ा ख़रीदने जाना हो तो क्या करती हैं, उसकी पैमाइश दो बालिश तीन बालिश नापने के बाद वो फिर दुकानदार से कहती हैं कि इतने बालिश हमें कपड़ा दे दें उसका ड्रेस बनाने के लिए। आज भी चल रहा है ये। गज़ में भी नापते हैं, किस में, यार्ड्स में भी नापते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। लेकिन अमेरिका में, बरतानिया में लेंथ को फिट में नापा जाता था, अमेरिका में मीटर में नापा जाता है। तो कहने का मकसद है कि कोई ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए इकाइयों का कि पूरी दुनिया में उस सिस्टम ऑफ यूनिट को राइज किया जा सके। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप जापान में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपको कपड़ा ख़रीदने के लिए जाना है तो आप एक ऐसा यूनिट इस्तेमाल करें उसकी लेंथ का जिसको पूरी दुनिया में समझा जाता हो। अगर आप बीफ ख़रीदना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं तो मालूम हो कि मास का यूनिट क्या होता है, उसकी समझ हो, टाइम के यूनिट की समझ हो। लिहाजा एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया था, सबसे पहले उसका नाम था एम के सिस्टम। क्या नाम था, एम के सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई थी, कौन कौन सी, लेंथ, मास एंड टाइम, और उनके यूनिट डिसाइड किए गए थे। वो हम चार्ट बना रहे हैं डायरेक्ट, बाद मुख्तसर करेंगे, लेकिन नहीं लाइसें लिखे, देर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स के निज़ाम आते हैं, देर आर फोर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। बोलिए, नंबर वन एम के एस सिस्टम, इसको मैट्रिक्स सिस्टम भी कहते हैं। नंबर टू सी जी एस सिस्टम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप हेडिंग डालेंगे तब आप हेडिंग डाल लीजिएगा। तीसरा एफ पी एस सिस्टम, जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। और नंबर फोर है ये होता है, कल से मुझे याद दिलाइएगा ताकि मैं स्विच ऑफ, वो सिम को स्विच ऑफ कर दूँ। एफ पे सुनना ही पड़ेगा।